अस्सलाम वालेकुम, और सब कैसे हैं? ये जो हम है ना, ये जो मैं मेकअप कर रही हूँ ना, मैं इसमें आपको बताऊँगी नहीं मैं क्या चीज़ स्किप की। मैंने एक चीज़ मैंने स्किप की जानबूझ के, उसके बिना भी हम लोग मेकअप कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। कमेंट करोगे तो आपको मैं कुछ तो गिफ्ट दूँगी पक्का, आपके एड्रेस पे आपको मैं कमेंट करूँगी। फिर आप मुझे कमेंट करो कि मैंने क्या चीज़ स्किप की। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें कोई प्रोडक्ट मैंने स्किप किया है जो इसमें होना चाहिए था, लेकिन उसके बिना भी आप मेकअप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, पहले CTM किया है। CTM का मतलब है क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र। इनकी स्किन ऑयली थी इसलिए हमको टोनर लगाना पड़ा। टोनर भी मैंने किया, तीनों चीज़ की। अब मैंने लगाया इसके बाद में, इनका CTM करने के बाद में इनको लगाया मैंने वाइट बेस। वाइट बेस से क्या होता है कि मेकअप जो है ना, जो हमको कलर चाहिए वो प्रॉपर नज़र आते हैं। लाइटेस्ट आप दूसरा भी लगा सकते हो, आपको वाइट नहीं है तो आप कंसीलर लाइट कलर का भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने वाइट लगाया क्योंकि वाइट में बहुत अच्छे से कलर नज़र आएगा। और हमारा कैमरा जो है वो नेचुरल नॉर्मल कैमरा है, बहुत वो नहीं है ऐसा जो बड़े कैमरे होते हैं फ़ोटोशूट वाले, वैसा नहीं है। लेकिन आप टेक्निक पे ध्यान दो, कैसे दिख रहा है वो देखो। मैंने ब्रश देखो कितनी दूर से पकड़ा है। जब मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ तो ब्रश दूर पकड़ रही हूँ, जब मैं डिपॉजिट कर रही हूँ तो ब्रश नज़दीक पकड़ रही हूँ। तो हमको ब्रश वैसे होना, थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया है इसलिए कि आप बोर नहीं हो जाओ। आप बोर हो जाओगे और फिर वीडियो नहीं देखोगे, तो इसलिए आप वीडियो भी देख लो और आप बोर भी ना हो, वो हिसाब से मैंने उसको ऐसे बनाया। तो अब मैं कलर ले रही हूँ। मैंने पहले लिया था ब्राउन, हल्का सा डार्क ब्राउन और उसमें हल्का सा ब्लैक जो आउटर कॉर्नर पे लगाया था। उसके बाद मैंने लिया है पर्पल वाला, पर्पल में डार्क पर्पल। अभी मैं ले रही हूँ डार्क पिंक, अब जो कर रही हूँ वो डार्क पिंक है। तो और लेकिन सबको मैं मर्ज कर रही हूँ और इन दोनों सबको मिक्स कर रही हूँ। और उसके ऊपर मैं कलर लूँगी लाइट कलर का, ऑरेंजिश कलर है। इसके बाद अभी मैंने फिर से डिपॉज़िट किया। क्या डिपॉज़िट किया मैंने, फिर से डार्क ब्राउन को डिपॉज़िट किया ताकि मेरे कॉर्नर अच्छे से दिखे। जब प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाता है तो वो थोड़ा सा कम दिखता है, तो हमको चाहिए कि हम फिर से उसमें एक डिपॉज़िट कर दें ताकि वो वापस से अच्छे से नज़र आए हमको। तो ये मेकअप में हमको करते ही रहना है, हमेशा करते रहना है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं उसको फिर से ब्लेंडिंग कर रही हूँ और एक शेड लाइट लेके, जो हमारी हार्श लाइन दिख रही है उसको मैं एकदम से कम दिखे, तो मैं लाइट पिंक ले रही हूँ हार्श लाइन को हटाने के लिए। लाइट पिंक ट्रांजिशन बोलते ना कलर को हम करते हैं, तो वो मैं कलर को मिक्स कर रही हूँ एक दूसरे में। और जो आईब्रो के पास जो कलर लूँगी वो बिल्कुल स्किन कलर है, पर्ल कलर है। पर्ल पिगमेंट ही है लेकिन लाइट कलर में है वो। और अब जो हमारा शिमर गिर गया था, सेलो टेप लेके मैंने उसको खाली डैप 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 किया तो वो सारा उसमें चिपक गया। ये अच्छा तरीका है, इससे आप कभी करके देखो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से शिमर, जो भी ग्लिटर जो भी रहेगा वो पूरा नज़र आएगा। और फ्रंट में मैंने इसको शिमर दिया था, शिमर मतलब पिगमेंट लगाया पहले, फिर बाद में लास्ट में शिमर लगाया। जो फ्रंट का जो इनर कॉर्नर पर जो वाइट दिख रहा है आपको, वो शिमर है सिल्वर कलर का, वही नीचे गिरा था। अब मैं लगा रही हूँ इसको ऑरेंज कलर का कंसीलर है, क्योंकि स्किन में थोड़े से प्रॉब्लम थे डैंड्रफ की वजह से, थोड़े दाने थे, थोड़ा हल्का सा डार्क सर्कल तो नहीं होता है लेकिन फिर भी आई के नीचे एरिया थोड़ा डार्क होता है, तो खाली हो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे। और फिर मैं पूरा ऑरेंज, जहाँ जहाँ मुझे दाग लगे मैंने ऑरेंज लगाया, और फिर जहाँ मुझे ग्रीन रेड लगे वहाँ मैं ग्रीन लगाऊँगी। अब मैं आपको ना एक अगले वीडियो में एक अच्छी सी टिप दूँगी, मालूम क्या टिप्स के ना, वो टिप्स में आपको मज़ा आएगा कि हमारा जो रेड है या डार्क है या काला है दाग, वो कैसे इंस्टेंट हम छुपा सकते हैं। इसमें मैंने नहीं बताया लेकिन मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। तो अब मैंने ग्रीन कलर का उसको, रेड को छुपाने के लिए मैंने ग्रीन लिया, और ग्रीन के ऊपर फिर हम उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। जो हम अभी मैंने ग्रीन लगाया तो ग्रीन और ऑरेंज लगाया, तो ग्रीन और ऑरेंज के ऊपर डायरेक्ट आप अपना शुरू मत कर दो फाउंडेशन, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज़ करो। तो मैंने न्यूट्रलाइज़ कैसे करें, स्टिक से कर रही हूँ। इनकी स्किन से डार्क है,
इनकी स्किन से डार्क शेड है, इसमें दिख रहा है लाइट लेकिन डार्क शेड था वो। मैंने बोला ना हमारा कैमरा नॉर्मल है और मेरा क्या एक ही, हमारी हमने एक ही लाइट से काम कर रहे हैं, जो रिंग लाइट हमारी एक ही है, दो रिंग लाइट में काम होता है, मैं एक ही लगा जगह की वजह से, जगह कम है हमारे पास उस वजह से। तो अब क्या हो रहा है कि अब उसको जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है काला है या कुछ है, तो मैं पूरी स्किन को उसके न्यूट्रलाइज़ कर दे रही हूँ। मैंने ऑरेंज को भी कर दिया, ग्रीन को भी कर दिया उस पर, और जहाँ जहाँ मुझे फोरहेड डार्क लग रहा है या कुछ लग रहा है, तो मैंने क्या किया पूरी स्किन को उसके न्यूट्रलाइज़ किया। कभी स्किन का आपको टोन पहचान में ना आए तो आप स्किन के शेड से एक डार्क लगा के पूरी स्किन पे लगा सकते हो, तो आपका जो मेकअप है ना वो ऑक्सीडाइज नहीं होएगा। और कभी भी ना जो हमारा कलर है हमको उसी में रहना चाहिए, ज़्यादा एक शेड लाइट कर सकते हो, लेकिन आप सोचोगे कि एकदम डस्की कलर को हम फेयर कर दें तो वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं करना चाहिए, उससे स्किन बाद में वो अच्छा नहीं दिखता है, मेकअप ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो इनका स्किन डस्की नहीं है, मीडियम कलर है इसका, बहुत प्यारा सा, तो उसको मैंने एक शेड डार्क किया है। अभी शायद लाइट प्रॉपर आ रही है, लेकिन मेरा मेरे वजह से जैसे मैं उसके सामने आ जा रही थी तो वो लाइट थोड़ी कम हो जा रही थी। अब इसको क्या करना, पूरा ब्लेंड करना है, ब्लेंड पूरा ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है, पूरा ब्लेंड कर देना है। और ब्लेंड करने के बाद में जब अच्छा ब्लेंड हो जाएगा, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ब्लेंडिंग नहीं की तो मेकअप फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, इवन टोन नहीं आएगा। और मैं अभी जो उसका आँख के नीचे जो क्रीज आती है, लाइन आती है ना, उनका ध्यान रखते रहना है, उनको हमेशा ख़त्म करते रहना है, उस पर अच्छे से ब्लेंड करते रहना है। और अब मैं कर रही हूँ उसको कंसीलर। कंसीलर मैंने बहुत लाइट नहीं लिया, जो हाईलाइट जैसा होता है वैसा बहुत लाइट नहीं लिया है, खाली मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको, क्योंकि उसका जो स्किन पे मैंने एक शेड डार्क लगाया था, उस डार्क को मैं उसकी स्किन के टोन के बराबर ला रही हूँ, बहुत लाइट में नहीं ला रही हूँ, स्किन से थोड़ा सा शेड हल्का है तो वैसे कर रही हूँ। तो इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना होता है, और इससे क्या होता है अचानक से आपका जो शेड जो हाईलाइट एरियाज है ना वो एकदम से उठ के नज़र आते हैं, और बहुत ही उसी टाइम आपको मेकअप एकदम खूबसूरत नज़र आने लगता है। और इसमें एक चीज़ जो स्किप की है वो आप देखो, उसके बिना भी हम मेकअप कर सकते हैं। और अगर आप, अभी तो मैं कमेंट में नहीं बोलूँगी लेकिन लास्ट में बताना है, सोच रही लेकिन नहीं, आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ। और अब मैं अब मैंने क्या किया, पाउडर पूरा लगा दिया है। पाउडर लगाने के बाद में आँख के नीचे भी और पूरे फोरहेड पे मैंने एक्स्ट्रा पाउडर लगा दिया है, एक्स्ट्रा पाउडर थोप दिया एक तरह से आप बोलोगे, क्यों, क्योंकि ना स्किन ऑयली है तो ज़्यादा पाउडर लगा के उसकी स्किन को छोड़ देने का और बाकी काम करते रहने का, तो मैंने ज़्यादा पाउडर लगाया। आपको दिख रहा होगा जहाँ जहाँ ज़्यादा पाउडर है तो ज़्यादा पाउडर लगा के रख देने का, और जब तक मैं आइस के नीचे काम कर रही हूँ। आइस के नीचे मैंने क्या किया है, डार्क ब्राउन लिया है जो मैंने आउटर कॉर्नर पे लिया था, डार्क ब्राउन लेके और उसको लगाया, और अंदर जो है ना मैंने जो लाइट कलर का कंसीलर हाईलाइट किया वो मैंने लगा दिया काजल की जगह पे, और पीछे मैं जो इसको डार्क ब्राउन ले रही हूँ। मैंने बहुत ऐसा हार्श वाला एकदम शार्प करते ना जो ऐसा नज़र आता है, वैसा मेकअप नहीं है ये, ये होने के बाद बहुत प्यारा सा सोबर सा मेकअप लग रहा है। भले आईज़ मैंने ग्लिटर वगैरह डाला है लेकिन नेचुरल देखने में मेकअप बहुत सोबर था, ऐसे हैवी और ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था, तो उसी तरह से मेकअप किया है, क्योंकि स्टूडेंट को सिखाना होता है तो ये स्टूडेंट्स के लिए मेकअप हो रहा था, उनको दिखा रही थी तो मैंने वीडियो भी बना लिया। तो इसमें देखो अब मैंने जो आउटर कॉर्नर पर नीचे साइड में लीड आई लीड के वजह से मैंने लगाया है डार्क, और इनर कॉर्नर पर मैं लगा रही हूँ लाइट पिगमेंट है, थोड़ा शिमरी है, थोड़ा ग्लिटर है उसमें, ग्लिटर नहीं शिमरी है, शिमर है वो लगा, थोड़ा शाइन होगा ना, और उससे क्या होता है आईज़ थोड़ी बड़ी दिखती है। और पीछे की तरफ मैं सिर्फ डार्क ले रही हूँ, और उसको मैं जो मैंने ऊपर पर्पल कलर लिया था पिंक पर्पल, उससे मैं उसको खाली मर्ज कर रही हूँ, और इसमें नज़र भी आ रहा है कि नीचे मैंने वो पिंक लिया है। अभी आईज़ तो हमारी बन गई, रेडी हो गई है, अब मैं आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ, लेकिन मैं ना जेल लाइनर से नहीं कर रही, पाउडर से कर रही हूँ,
तो आप जब भी कुछ भी मेकअप जो होता है, जैसे पार्टी मेकअप है या ज़्यादा ना दिखे, तो वो मेकअप को आप खाली पाउडर से भी डिफाइन आईब्रो को कर सकते हो, तो उससे एकदम नेचुरल लुक आता है। और अगर आप क्रीम से करोगे तो उससे ज़्यादा दिखता है, लेकिन क्रीम से भी आप कर सकते हो, अच्छा दिखता है। जब हैवी लुक करना है या तो ब्राइडल है आपके पास, तो आप क्रीम से करो, वरना आप पाउडर से भी। देखो आईब्रो कितने अच्छे डिफाइन हो गए, उसके आईब्रो हैं ही अच्छे, और ये लगाने से, पाउडर लगाने से आईब्रो में एक अलग लुक आ गया है, एक खूबसूरत सा लुक आ गया है। और अभी आप देखो उसके ना जो है लैशेस में, मैंने पहले क्या किया, मस्करा लगा दिया है। आप पहले, आप लैशेस के बाद ही मस्करा लगा सकते हो, लेकिन मैं फेक लैशेस लगाने से पहले मस्करा लगा देती हूँ। लेकिन हम लेंस नहीं लगाते किसी को, लेंस अगर लगा के आप काम करोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन लेंस का कभी कभी किसी को नहीं सूट करते हैं, तो वो डर के मारे मैं लेंस नहीं लगाती हूँ। अदरवाइज़ लेंस लगाने के बाद में आईज़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो अभी मैंने लैशेस लगा दिए, लैशेस में ग्लू लगाने के 30 सेकेंड हमको रुक के और फिर हमको लैशेस लगा देना है। और लैशेस अगर बड़ी है तो आपको काटना है, अगर नहीं बड़ी है तो आपको नहीं काटना है, लेकिन अगर उसमें कोने या कोई चीज़ निकली दिख रही है तो आपको काट देना है। और आँखों से थोड़ा सा दूर रखना इनर कॉर्नर के, और फिर लैशेस लगा देना। और लैशेस लगाने के टाइम जो है, लैशेस लगाने के टाइम देखो अभी इसका कितना अच्छा खूबसूरत सा फेस हो गया है, कितना अच्छा। थैंक यू सो मच।